जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां आएं। आप लोग पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें और अपनी ज़िंदगी में सभी नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करें, ना कि उनसे घबराएं और ना कि उनसे भागें। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया था वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो, टोटली मैच हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। और पॉजिटिव रीडिंग सुनने से पहले हमें स्माइल दी जाती है, हमें रिश्वत दी जाती है। कहाँ है हमारी रिश्वत, जल्दी से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, दो कंडीशन है इसमें। फाइल नंबर 1 में दो कंडीशन है। एक तो वो है जो लोग सेपरेट हैं, और एक वो हैं जिनका हाल फिलहाल न्यू रिलेशनशिप है लेकिन किसी बात से अनमन हो गई है। तो देखिए, दोनों कंडीशन में आप दोनों अभी सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेपरेट हैं किसी भी वजह से, रीज़न कोई भी हो सकता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत ज़्यादा है और आप लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, सही से बातचीत नहीं हो पा रही है, और फैमिली इशू भी लग रहा है कि शायद फैमिली की वजह से आप लोग सेपरेट हों। कोई थर्ड पार्टी अदर पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, और कभी कभी हमें ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग आपस में बातचीत करना कम कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। तो देखिए, जिस वजह से भी आप लोग सेपरेट हैं, हमने बहुत सारे इश्यूज बताए हैं, आप समझ सकते हैं। तो आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने कभी इनसे मिलने आने के लिए कहा हो, या फिर एक्शन लेने के लिए कहा हो, फैमिली में बात करने के लिए कहा हो, शादी की बात करने के लिए कहा हो, तो इन्होंने मना कर दिया होगा कि अभी कर नहीं सकता, अभी सब कुछ ठीक नहीं है, सही समय आने दो। तो हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि ये सीरियस नहीं है, मतलब कि टाइम निकल रहा है और एज बढ़ रही है, शादी की उम्र हो रही है, फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं और ये इंसान अभी टाइम मांग रहा है, अभी और कितना टाइम मांगेगा, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ ऐसा भी हुआ है आप लोगों के दरमियान, तो इस वजह से आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो। और कुछ लोग तो यूँ समझ लीजिए कि ये ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जिनके मस्कुलाइन की अभी हीलिंग चल रही है, तो आपका मस्कुलाइन अब आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो भी जैसे पहले रूड हुआ करता था, इग्नोर करता था, उसे प्रपोज कैसे करना है, कैसे इम्प्रेस करना है, कौन सी बातें करने से आप खुश होंगे, ये सब उसे आता ही नहीं था, बुद्धू सा था।
जो मन में आया सब बोल दिया, रूड बातें कर ली, मतलब जो जैसा है वैसा बोल दिया, ऐसा। तो वो आपको खुश करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है, सोच रहा है कि ऐसे प्रपोज़ करूँगा, ऐसे प्रपोज़ करूँगा तो आप कैसे खुश हो जाएंगे। मतलब कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे बातें करने के लिए, आपको प्रपोज़ करने के लिए नई नई प्लानिंग्स बना रहा है कि कैसे बात करें आपसे। मोस्टली लोग जो ट्विन सोल जर्नी में हैं वो भी सेपरेट ही हैं। ये रीडिंग तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो भी कंडीशन है अभी सेपरेट है, मतलब आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस नहीं है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जो पर्सन की कंडीशन है वो बहुत सैड है, आपका इंतज़ार कर रहा है आपके आने का, आपसे मिलने का, और एक बार वो इस रिश्ते में एक चांस चाहता है, वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि आप एक बार उसे माफ़ कर दें, क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि वो आपके बिना जी नहीं सकता। उसे महसूस हुआ कि जो भी हो आप ही हो, और अगर आप उससे दूर चले गए, अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो वो कैसे जिएगा। इस वजह से आपका जो पर्सन है वो आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स के हिसाब से एक छोटी सी गज़ल है, 4 लाइन की, वो हम आपको सुनाते हैं। आप लोग कहते होंगे कि आवाज़ तो बच्चों जैसी है लेकिन सुनाते गज़ल हैं। हाँ हाँ, बच्चों जैसी आवाज़ हो सकती है, लगता होगा आपको, क्योंकि कहते ना कि बच्चों से ज़्यादा प्योर कोई नहीं होता। तो हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम अपनी मासूमियत, अपना बचपना हमेशा ज़िंदा रखना चाहते हैं। और हम हर किसी को यही एडवाइस देंगे कि जिस दिन आपका बचपना मर गया ना, उस दिन आपकी मस्ती मर जाएगी। आप देखते हैं बच्चे कितने निस्फिक्र होते हैं, कितने स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं। उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं कि कौन क्या कह रहा है, इस बात का बुरा मानना है, इस बात का बुरा नहीं मानना है, इस तरह। तो बहुत सारे लोग कहते दी आपकी आवाज़ बिल्कुल बच्चों जैसी है। हाँ, हम भी बच्चों ही जैसे हैं, हमें बच्चों ही जैसी ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और गज़लों में ना एक ठहराव होता है, उनके एक एक शब्द में कई कई अर्थ होते हैं, बहुत गहरे अर्थ होते हैं। तो ये गज़ल अगर आप अपने पर्सन की तरफ से आँख बंद करके सुनेंगे ना, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, और आपके पर्सन की जो करेंट फीलिंग है ना, आप उसे बहुत बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, आ भी जाओ जिंदगी कम है, आ भी जाओ जिंदगी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, आ भी जाओ जिंदगी कम है, वादा करके ये कौन आया नहीं, वादा करके ये कौन आया नहीं, शहर में आज रोशनी कम है, शहर में आज रोशनी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, आ भी जाओ जिंदगी कम है। समझ रहे हैं, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आ भी जाओ जिंदगी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, आ भी जाओ जिंदगी कम है। कहना चाहते हैं कि मुझे एक चांस दो, मुझे एक मौका दो, सब कुछ बैलेंस करने का, सब कुछ सही करने का, और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूँ। और हम कह रहे हैं ना कि आप लोगों के दरमियान ना लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी हो सकता है, और रिलीजन इशू भी बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपके पर्सन
आपसे मिलने आना चाहते हैं या फिर आपने उनसे कहा होगा कि आप उनसे मिलने आएंगे, जो भी है, तो अभी आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं और आप दोनों ही इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और सच बताएं, ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप दोनों मिलजुल कर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, ट्विन सोल जर्नी में हों, सोलमेट जर्नी में हों, जो भी रिश्ता हो, जैसा भी रिश्ता हो आपका, जिस वजह से भी आज आप दोनों कम बातें कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो यूँ समझिए आपकी फीलिंग्स भी बहुत पॉजिटिव हैं आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। देखिए, कभी कभी ना प्यार के साथ साथ अपने पर्सन के जज्बात भी समझा करिए, उसकी मजबूरी भी समझा करिए। कभी कभी मजबूरियाँ और परिस्थितियाँ इंसान से बहुत कुछ ऐसा करवा देती हैं जो हमारा दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में साथ देना, हर परिस्थिति में उसको समझना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका प्यार है ना? और वो भी पूरी कोशिश कर रहा है इस प्यार को एक नाम देने का। अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं और किसी बात से आप दोनों के बीच अनबन हुई है, तो माफ़ कर दीजिए, आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि वो आपसे मिलने आना चाहते हैं। और हो सकता है कि हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। एज डिफरेंस इशू भी है आप लोगों के दरमियान, हाँ एज डिफरेंस इशू भी है, तो वो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं। हो सकता है उन्होंने फैमिली से बात की हो तो उन्हें समझ में आ गया है कि किसी भी कंडीशन में कैसे भी फैमिली तो इस रिश्ते के लिए एग्री होगी नहीं और वो आपके बिना रह नहीं सकते। उन्हें पहले लगा था कि वो रह लेंगे, पर वो अब आपके बिना रह नहीं सकते, तो वो खुद ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी आप दोनों एक हो जाएं। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बीच जो भी कन्फ्यूज़न है, हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे प्लीज़ ख़त्म करवा दीजिए और हमें मिला दीजिए। ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। और देखिए, जिन लोगों का रिश्ता बहुत नेगेटिव है, जिनके पर्सन ने चीट किया है, फ्रॉड किया है और अभी वो बहुत रूड बिहेव कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी नज़रों के सामने हैं, तो कहते हैं ना कि अगर आपके सामने आपके भोजन में मक्खी गिर जाए तो जानबूझकर तो आप उसे खा नहीं लेंगे। होटल में तो ऐसा होता है कि जहाँ पर भी हम लोग नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, जो भी, तो मक्खी गिर जाए, कोई भी कीड़े मकोड़े गिर जाए, वो निकाल के फेंक देंगे और आप खा लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या पड़ा था। लेकिन आंखों के सामने मक्खी गिर जाए तो उसे तो नहीं खाया जा सकता ना। तो ऐसे ही अगर आपके पर्सन बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपके सामने थर्ड पार्टी के लिए मर रहे हैं, तो बाबू ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पाइल नंबर वन, क्योंकि पाइल नंबर वन बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप हमें कॉमेंट करके बताइए, हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आगे जो वीडियो होगा उस पर रीडिंग कर देंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे, लोग पूरी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको अपने बारे में सोचना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि इनसे जुड़ना चाहिए, ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर आपको कोई कनेक्शन महसूस हो रहा हो हमसे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ प्यार चाहिए, भीड़ नहीं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर टू, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देखिए इसमें भी हमें दो कंडीशन नज़र आ रही हैं। एक तो वो है कि कुछ लोग सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है, रीज़न फैमिली है, अदर लोग भी हैं, रिलीजन इशू भी है, बहुत सारे इशूज़ हैं आप लोगों के दरमियान, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की शादी हो गई है, शादी नहीं हुई है तो इंगेजमेंट हो गई है।
कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत रूडली आपको छोड़कर चले गए हैं, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, तो इस वक्त वो आपसे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, बातचीत नहीं हो रही आप लोगों के दरमियान, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बात करने की, तो वो आपको भला बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते। और देखिए, कुछ लोगों के पर्सन की शादी उनके फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती कर दी है, या फिर इंगेजमेंट ज़बरदस्ती कर दी है, तो आपके पर्सन ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें जैसे कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि फंस गए हों किसी ऐसी मुसीबत में कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। आप भी बहुत दुखी हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत दुखी हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हूँ, कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, प्लीज़। ये जो रिश्ता जुड़ा है मेरा जिसके साथ भी, वो मेरी मर्ज़ी से नहीं जुड़ा है, मतलब बग़ैर मेरी मर्ज़ी के जुड़ा है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस अनचाहे रिश्ते से निकलने की, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, बस थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो मेरा, थोड़ा धैर्य रख लो, मुझे गलत मत समझो। आपको ऐसा लगता है कि अब क्या बचा है इस रिश्ते में, वो तो आपको भूलकर आगे बढ़ गया, उसने तो शादी कर ली, उसकी तो इंगेजमेंट हो गई है, या फिर अगर आपके पर्सन की इंगेजमेंट नहीं हुई तो आपके पर्सन अभी आपसे हाल फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली इशू की वजह से, कमिटमेंट इशू है आप दोनों के दरमियान, जो भी है, तो आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे आपकी कोई फिक्र ही नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, आप क्यों रो रहे हैं उसके लिए, तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, उनकी जो करंट फीलिंग है वो हम आपको बताते हैं। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूँगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। समझ रहे हैं, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूँगा मैं और किसी का। मतलब कि वो आपको कभी नहीं भूलने वाले और वो कभी किसी और के नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। आप कहेंगे कि तुमने शादी कर ली, तुमने इंगेजमेंट कर ली, तुम किसी और के साथ बंध गए रिश्ते में, अब क्या हो सकता है हमारे रिश्ते का। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मांग का सिंदूर रिश्ते का गवाह तो हो सकता है, लेकिन प्यार का नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने किसी की मांग भर दी हो या किसी ने मेरी मांग भर दी हो तो मैं उसका हो गया, मुझे उससे प्यार भी हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे कितने लोग होते हैं जिनकी शादी तो हो जाती है पर उनमें पूरा जीवन प्रेम नहीं हो पाता, और ऐसा भी होता है कि जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता लेकिन उनसे इतना गहरा रिश्ता हो जाता है, इतना गहरा रिश्ता कि उनके बिना सांसें लेना भी बुरा लगने लगता है, उनके बिना एक सेकंड भी जीना बुरा लगने लगता है। तो मांग का सिंदूर रिश्ते की गवाही दे सकता है पर प्यार की गवाही नहीं। तो आप उन्हें समझने की कोशिश करिए। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, बस तुम मेरा साथ दो, तुम नेगेटिव मत बोलो, तुम पॉजिटिव रहो, तुम मेरा वेट करो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, मैं इन सबको ख़त्म करके बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा, बहुत जल्द हम इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे,
बहुत जल्द हमारी एक हैप्पी सी फैमिली होगी, बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे और हमारे प्यार की जीत होगी। देखिए, आपके पर्सन की शादी जिससे हो रही है या फिर हो गई है, या कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के दरमियान, आपके पर्सन पहले से ही मैरिड हैं, फिर भी वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरा इंतज़ार करो, उम्मीद मत ख़त्म करो, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। और इस वक्त मैं कुछ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता। आप शायद उन्हें ब्लेम कर रहे होंगे कि तुमने धोखा दिया, तुमने चीट किया, और इतने साल का रिश्ता था, तुमने यूं ही तोड़ दिया किसी और के लिए, ये सब क्या था। तो इस वजह से आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। और इस वक्त यूँ समझ लीजिए, उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है किसी ने आँखों में पट्टी बांध के एक ऐसे घने जंगल में छोड़ दिया है, हाथ बांध कर। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, रास्ता ढूँढूँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ, किसका साथ दूँ, प्यार का साथ दूँ, परिवार का साथ दूँ। इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो डियर, ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप जितना सोच रहे हैं वो मत सोचिए, वो नेगेटिव है आपके लिए, आप पॉजिटिव सोचिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी के जीवन में ही दो शादियां लिखी होती हैं, होता है ना कि हो जाती है, फिर बहुत जल्दी या तो डाइवोर्स हो जाता है या तो किसी भी वजह से वो लोग अलग हो जाते हैं, कुछ भी। लेकिन आप दोनों का एक होना लिखा हुआ है, आप दोनों की एक मैरिड लाइफ लिखी हुई है, आप दोनों इन फ्यूचर एक होते हुए नज़र आ रहे हमें। तो इस वजह से ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे, और अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे। इधर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरियस लियो सजिटेरियस थोड़ा कम है, समझ रहे हैं। लेकिन डियर, ईश्वर जो सजेशन आपको दे रहे हैं वो आपको मानना चाहिए। अगर आप ईश्वर के सजेशन को मानते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, तो आप विश्वास रखिए आपका दिल नहीं टूटेगा। आप विश्वास रखिए ईश्वर जो भी करेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, और इन फ्यूचर आप खुश भी रहेंगे। तो यही है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। जैसा भी रिश्ता हो आप दोनों के दरमियान, जो भी इश्यूज हों, लेकिन वो सारे इश्यूज आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करके ज़रूर से ज़रूर वो आपके पास आएंगे। ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अभी वो परेशान हैं तो थोड़ा सा उनकी परेशानियों को समझिए, जल्दबाजी मत करिए। गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कॉन्टैक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।